एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज किचन। आज मैं आपको मेथी का आटा लगाना सिखाऊंगी। मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये मेथी मैंने साफ करके धो के रख ली है, ये देख सकते हैं आप। वन बाउल मेथी है, आजकल फ्रेश मेथी आ रही है, विंटर का सीजन है। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, सॉल्ट है, नमक है, ये ऑयल है जो थोड़ा सा आपकी इच्छा के अनुसार आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं, और पानी लिया है। तो सबसे पहले मैं मेथी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लूंगी। थोड़ा सा पहले मेथी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि वो स्मूथली ग्राइंड हो जाए, और उसके बाद मैं मेथी डालूंगी। आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, बाकी पत्ते हैं तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। ये देखिए, अब मैं इसको चर्न करूंगी। ये देखिए, इस टाइप का मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए, ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहे। ये मैंने वन बाउल आटा, उसके बाद मैं टू बाउल आटा लूंगी। इसमें टू बाउल आटा ले लिया है, करीब करीब ये 400 ग्राम्स है। इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं अब इसमें ऑयल डालूंगी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो ऑयल डालने से थोड़ा खस्ता बन जाते हैं, अगर आपने सिंपल रोटी बनानी है तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 200 ग्राम ये पेस्ट ले लिया है मेथी का, यानी आटे से हाफ। अगर आपका थोड़ा पतला हो गया है तो आपको देखना है कि कितना इसमें डालना है। ये देखिए, अभी मैं बिना पानी डाले इसको गूंथूंगी। पहले देखेंगे कि पानी डालने की जरूरत है या नहीं। अब देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, बस इतना बहुत है। अब मैं इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक कर लेती हूँ। ये देखिए, आटा स्मूथ हो गया है। मैंने इसको तेल का हाथ लगा लिया है और इसको रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट्स में रख दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी आटे से आपको एक रोटी बनाना बताऊंगी। एक लोई ले लेंगे, जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस तरह से आप इसको स्मूथ कर लेंगे। आटे में थोड़ा डिप करेंगे और ये देखिए, इस टाइप से हम इसको अब मैं इसको बेलती हूं। ये देखिए, ऐसे गोल रोटी बन गई है। अब हम तवा चेक कर लेंगे जरा सा आटा लगा के। मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है तवा, ये हो चुका है। अब मैं इसमें ऐसे रोटी डाल दूंगी। जब तक रोटी सिक रही है तब तक मैं आपको एक मेथी का प्लेन पराठा बनाना बताऊंगी। आप इसको अजवाइन डाल के भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा बेलेंगे हम। और इसको इतना बड़ा बेलने के बाद मैं इसको अंदर से घी लगाऊंगी और फिर इसको इस टाइप से फोल्ड करूंगी, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मुझे पराठों में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसको बेल लेंगे। रोटी हमारी एक साइड से हो गई है, अब इसको पलट देंगे, सिकने देंगे और इधर मैं पराठा बेल रही हूं। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है, ये देखिए। ये देखिए, हमारी रोटी इधर से पच गई है। अब हम इसको नीचे उतार के सेक लेंगे।
देखिए कितनी अच्छी रोटी हमारी बन गई है। ये देखिए, और यकीन मानिए ये इतना न्यूट्रिटिव है, आप अगर विंटर में इसको खाएंगे तो बहुत यम्मी लगेगा। ये देखिए मैं इस पे घी लगा दूंगी और ये आपके खाने के लिए तैयार है। आप किसी भी सब्जी से, किसी भी चीज से आप इसको खा सकते हैं। सूखी सब्जी, गाजर मटर की सब्जी, आपकी आलू गोभी की सब्जी किसी के साथ भी आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। आइए अब पराठा बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा पराठा बिला हुआ है, ये मैंने इस पर डाल दिया है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पसंद करते हैं तो बड़ा खा सकते हैं, छोटा पसंद करते हैं तो छोटा खा सकते हैं, उसी शेप से बना सकते हैं। ये हमारा पराठा सिक रहा है, इसमें मैं ऑयल लगाऊंगी। देखिए फूल गया है हमारा पराठा और कितने अच्छे से तैयार हो रहा है। ये बहुत क्रिस्पी लगता है, बहुत न्यूट्रिटिव है, विंटर सीजन में इसको जरूर खाइए। पानी आ रहा है इसको देख के, बहुत टेस्टी बनेगा। आप जरूर ट्राई कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये देखिए सिक गया है, अभी मैं आपको पराठा रख रही हूँ। उधर रोटी है, इधर पराठा है। एक तो ग्रीन कलर है जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, दूसरे सर्दी का मौसम हो उस पे बटर रख के खाएं तो मजा ही कुछ और है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल बी रेडी विद मोर रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच।